हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट स्टडी। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि है टाइम एंड वर्क। और ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में ख़त्म करेंगे। आज हम उसका पार्ट वन करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। ये रहे डायरेक्ट लिंक्स आपकी स्क्रीन पर इस जगह। ये हैं वो टॉपिक्स जो मैं आपको कवर करवाऊंगा। इसमें से हम परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एजीस और पार्टनरशिप कर चुके हैं। और आज हमारा फिफ्थ चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इसके बाद हम करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम जो कि टोटली रिलेटेड होगा टाइम एंड वर्क से ही। और ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे इस नितिन सर वाली प्लेलिस्ट में। आपको जो भी टॉपिक्स अगर आपने पहले नहीं लगाए हुए हैं और आपको अभी एक्सेस चाहिए उनका, तो आपको वो इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इसका कंसेप्ट क्या है? ये जो है ये तीन ही पैरामीटर्स पर डिपेंड है। और ये तीन पैरामीटर्स हैं टोटल वर्क, वर्क डन इन वन डे जिसको हम एफिशिएंसी भी कहेंगे, और टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, इन तीन पैरामीटर्स के अराउंड हमारा पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा। अब ये है क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज हमारे फ्रिज में है 100 चॉकलेट्स पड़े हुए हैं और हमें उनको ख़त्म करना है। अब हमारी कैपेसिटी है कि हम एक दिन में 20 ही चॉकलेट खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। ठीक है, तो क्या होगा जब हमारे पास फ्रिज में 100 चॉकलेट पड़े हैं और हम एक दिन में 20 खा रहे हैं, तो हमें टोटल कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। तो 100 चॉकलेट्स आ गया हमारा टोटल वर्क। हम एक दिन में जो 20 चॉकलेट खा रहे हैं जिसको हम कहते हैं वन डे वर्क, उसको हम एफिशिएंसी भी कहते हैं। यानी कि हमारी एक दिन में खाने की हमारी एफिशिएंसी क्या है? सिर्फ 20 चॉकलेट की हमारी एफिशिएंसी है। तो डेज टेकन आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, वो आ गए 5। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क था 100 चॉकलेट्स, हम एक दिन में 20 खा रहे थे, तो 5 दिन में हमें टोटल 5 दिन लग गए उस 100 के 100 चॉकलेट्स को खत्म करने में। तो इसी से हम अपना फॉर्मूला बना लेंगे कि टोटल वर्क अपॉन वर्क डन इन वन डे जिसको हम एफिशिएंसी भी कहते हैं इज इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क। इसी फॉर्मूले को बेस पे हम पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कैसे। तो ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक बंदा 3 दिन में 60 पेंसिल्स बनाता है। तो बताइए कि एक दिन में वो कितनी पेंसिल्स बनाएगा? हमारे पास टोटल वर्क आ गया कि उसको 60 पेंसिल्स बनानी है और 3 दिन में वो बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? सीधी सी बात है कि भाई 60 बना रहा है वो 3 दिन में, तो एक दिन में बनाने के लिए हम 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो वो एक दिन में बनाएगा 20 पेंसिल्स। ये हमने वही फॉर्मूला लगाया, टोटल वर्क था 60 अपॉन वन डे वर्क था उसका, कि वो वन डे वर्क हमें निकालना था। तो हमारे पास टोटल क्या था? टोटल टाइम गिवन था जिसमें उसने 60 पेंसिल बनाई थी, तो हम उसको डिवाइड कर दिया टोटल वर्क को हमने उस टाइम से, तो हमारे पास एक दिन की उसके कैपेसिटी आ गई कि एक दिन में वो कितना बना सकता है। ठीक है, वैसे ही 60/3 इज इक्वल टू 20 पेंसिल इज नंबर ऑफ पेंसिल्स मेड बाय हिम इन वन डे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ दे वर्क टूगेदर देन वर्क इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। अब इन्होंने कहा है कि ए और बी जो है उनकी अपनी अपनी एक काम को खत्म करने के लिए वो टाइम लेते हैं। ए लेता है 10 दिन, बी लेता है 15 दिन। अब अगर वो क्लब हो जाए तो वो कितने दिन में कर लेंगे काम खत्म? तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। हम जब भी ये क्वेश्चन शुरू करेंगे हम इसी फॉर्मेट पर शुरू करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट क्या है? हम सबसे सेंटर में लिख लेंगे, मतलब ऊपर लिख लेंगे टोटल वर्क, उसके आगे लिख लेंगे एफिशिएंसी, थोड़ी स्पेस देकर लिखना टोटल वर्क। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे हम ए और बी, ए के नीचे लिख देंगे बी। ए और बी के सामने हम वो वैल्यूज लिखेंगे जो उन्होंने क्वेश्चन में दी होंगे कि वो एक काम को इतने दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया कि ए जो है भाई 10 दिन में एक काम को खत्म करता है, बी जो है 15 दिन में उसी काम को खत्म करता है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको ऊपर टोटल वर्क दिख रहा है ये क्या होता है, ये हर सारी चीज़ें जो हैं ये एज्यूम्ड होती हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती हैं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पर काम करने की भी जरूरत नहीं है, आपको अपने सोल्यूशन से मतलब है। ठीक है, अब ये कैसे निकलती हैं, जो टोटल वर्क है ये कैसे निकलता है? हम क्या करते हैं 10 और 15 का एलसीएम, यानी कि जो भी ए और बी जितने भी दिन में काम खत्म कर रहे होंगे इंडिविजुअली उनका हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 30। तो हमने 30 यूनिट्स को अज्यूम कर लिया कि वो टोटल वर्क है। अब एफिशिएंसी कैसे निकालनी है? एफिशिएंसी मैंने आपको बताया कि वन डे वर्क है, वन डे वर्क को ही हम एफिशिएंसी कहते हैं। और वन डे वर्क कैसे निकलेगा कि टोटल वर्क हमने जो 30 अज्यूम किया है उसको 10 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क इज इक्वल्स टू वन डे वर्क। तो जब हमने 30 से 10 को डिवाइड किया तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट्स, 30 को 15 से डिवाइड किया बी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट्स। अब इसको हम थोड़ी आसान भाषा में कहें तो अगर 30 यूनिट्स टोटल काम है तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट्स कर रहा है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट्स कर रहा है। ठीक है, टोटल काम है 30 यूनिट्स इन दोनों। अब उन्होंने क्वेश्चन के एंड में पूछा है कि ये दोनों अगर मिलके काम करें तो इनको कितने दिन लगेंगे काम को खत्म करने में। अब जो ये एक दिन में काम कर रहे हैं अगर हम उसको जोड़ लें तो वो क्या आएगा, इनकी टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी, कि ए और बी अगर मिलके काम करें तो एक दिन में वो 5 यूनिट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें टोटल वर्क पता है 30 यूनिट्स, एक दिन का काम पता चल गया दोनों का 5 यूनिट्स, तो हम उसको 30 यूनिट्स को 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे और वो नंबर ऑफ डेज होंगे 6 डेज। ठीक है,
आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी जो है इन्होंने कहा है कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। अब देखिए पिछला क्वेश्चन भी इसी से शुरू हुआ था, पर वहाँ पे 2 डेज भी दे दिए हुए थे, 10 डेज एंड 15 डेज या जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था। जब आपको 2 डेज दिए हों तो यानी वो उनके अकेले अकेले की बात कर रहे हैं कि यानी कि ए इतने दिन में कर लेगा, बी इतने दिन में कर लेगा। पर अगर यहाँ पे एक ही दिया हो और टुगेदर वर्ड नहीं दिया हो, जैसे ए एंड बी टुगेदर लिखा है ना, अगर टुगेदर वर्ड नहीं भी दिया और एंड स्टेटमेंट जहाँ एंड हो रही है वहाँ पर एक ही दिन मेंशन किया है, तो उसका मतलब यही होता है कि वो ए और बी का क्लब्ड है, ठीक है, ए प्लस बी आ जाएगा। अब इन्होंने नेक्स्ट लाइन लिखी है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 50% मोर देन बी, इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क। अब ये एफिशिएंसी ऑफ ए इज 50% मोर देन बी या 50% ऑफ बी या 50% लेस देन बी, मैंने इस सबको डिटेल में आपको समझाया है रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 50% मोर कैसे आया, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए उसके बाद इस चैप्टर पर आइए। तो चलते हैं इसका सोल्यूशन क्या है देखते हैं। अब ए और बी अगर इंडिविजुअली इंडिविजुअल दिया होता, ए इतने दिन में कर रहा है और बी उतने दिन में कर रहा है, तो हम पिछले वाले फॉर्मेट से क्वेश्चन शुरू करते। अब इन्होंने ए और बी का टोटल दे दिया हुआ है, तो हमने नॉर्मल नॉर्मल लिख लिया कि ए और बी जो है मिलके कर रहे हैं 10 दिन में एक काम को खत्म। अब उन्होंने एफिशिएंसी दी है कि ए इज 50% मोर देन बी, तो एफिशिएंसी की रेशियो आ गई 3:2। ये कैसे आई ये आपको निकालना आना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में जाके देखिए कैसे आई, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, इन हाउ मेनी डेज बी एंड ए कैन कंप्लीट ए वर्क वर्किंग अलोन, अगर ये अकेले अकेले काम करें तो ये कितने दिन में काम कर लेंगे। अब एक चीज़ देखिए इस क्वेश्चन को आगे हम कंटिन्यू कैसे करेंगे, ए और बी एक काम को ख़त्म करने में 10 दिन लगाती हैं, ए जो है 3 मिनट में 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, बी 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। हमें अभी तक टोटल वर्क नहीं पता, पर हम अगर ए और बी के एक दिन के काम को ऐड कर लें तो ए और बी का टोटल मिल जाएगा कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो हमने इनके उसको एक दिन के काम को एफिशिएंसी को ऐड कर लिया, तो हमें पता चल गया कि ए और बी जो है एक दिन में 5 यूनिट्स काम कर रहे हैं। अब देखिए ए और बी जो है अगर एक दिन में 5 यूनिट्स काम कर रहे हैं और टोटल उनको लग रहे हैं 10 दिन काम करने के लिए, ठीक है, काम को ख़त्म करने के लिए, तो काम हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। अब 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे ये देखना है ना, यही कॉमन मिस्टेक कर देते हैं हम पेपर में। अब एक चीज़ देखिए, अगर आप एक दिन में 5 ईंटें लगा रहे हो, ठीक है, और आप 10 दिन लगा देते हो, 10 दिन वो 5 5 ईंटें करके लगाते रहते हो और 10 दिन बाद आपका काम कंप्लीट होता है, तो आपने 10 दिन के बाद वो कितनी ईंटें लगाई होंगी, एक दिन में 5 है तो 10 दिन में आपने 50 ईंटें लगा दी अगर आप हर दिन की 5 5 ईंटें लगाओगे, ठीक है। वैसे ही हमने इसको देख लेना है कि एक दिन में अगर वो 5 यूनिट कर रहे हैं और अगर वो 10 दिन 5 5 यूनिट करते रहे तो उनका टोटल वर्क आ गया 10 दिन के बाद जो उन्होंने कंप्लीट किया होगा वो आ गया 50 यूनिट्स, 5 × 10, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि डिवाइड कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है। क्वेश्चंस को हिंदी में और जितना बेसिक बना सके, जितना एग्जांपल के साथ करने की कोशिश करोगे आपके लिए क्वेश्चन उतना आसान हो जाएगा। रटने की कोशिश नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है और हिंदी में क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। वही हमने किया, टोटल वर्क 10 × 5 आ गया 50 यूनिट्स। अब उन्होंने पूछा है कि इंडिविजुअली इंडिविजुअली बताओ, तो हमें दिख रहा है कि एफिशिएंसी की रेशियो ए की 3 यूनिट है और बी की है 2 यूनिट, तो ए की हम निकालेंगे तो बी की हम निकालेंगे क्या आ जाएगा 50/2, क्योंकि 50 यूनिट टोटल काम है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है तो उसको कितने दिन लग जाएंगे 50/2, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 25 डेज, एफिशिएंसी सॉरी बी का टाइम टेकन आ जाएगा 25 डेज। वैसे ही ए की अगर 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में काम और उसको टोटल काम करना है 50 यूनिट्स, तो 50 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ए को कितने दिन लग जाएंगे 50 यूनिट्स करने में, 50/3 डेज, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ए के एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 50/3 डेज एंड 25 डेज, जो हमने अभी अभी पिछले सॉल्यूशन में निकाला, हम इस क्वेश्चन की शुरुआत ही उससे कर रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर ऑन इट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जब ए और बी के इंडिविजुअल डेज दिए गए होंगे तो हम इसी फॉर्मेट से शुरू करेंगे, ए के डेज लिखती है बी के डेज लिखती है। अब एक चीज़ देखिए, इसका मैंने आपको बताया टोटल वर्क हमेशा एलसीएम होता है, तो एलसीएम कैसे लेना है, इसमें तो एक फ्रैक्शन वाला नंबर आ रहा है, कुछ नहीं करना आपने, आपने फ्रैक्शन वाले नंबर में से बस न्यूमिनेटर को देखना है, तो न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास ए का 50 और बी तो सिंपल सिंपल टर्म है 25, न्यूमिनेटर 50 और बी का जो है 25, इसका हम एलसीएम लेंगे तो सीधी सी बात है एलसीएम आएगा इसका 50 यूनिट्स, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 50 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, अब हमें एक नॉर्मल नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा पर देखना बहुत आसान है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क यानी कि 50 यूनिट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क यानी कि 50/3 यूनिट्स। जब आप 50 डिवाइडेड बाय 50/3 लिखोगे, 50 से 50 कट जाएगा और जो 50/3 का जो नीचे 3 था वो ऊपर चला जाएगा यानी वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, 50 50 कट गया और ई न्यूमिनेटर में आ गया, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट्स।
अब आते हैं दूसरे पे, बी पे, वो तो बिल्कुल इजी सा है। इसमें 50 को 25 से डिवाइड करोगे, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 यूनिट्स। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट्स। इस टोटल एफिशिएंसी का मतलब है कि ए और बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट्स काम कर रहे हैं, और उन्होंने पूछा कि अगर वो साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, टोटल काम है हमारे पास 50, और एक दिन में वो कर रहे हैं 5 यूनिट। 50 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 10 डेज आ जाएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन का पहली स्टेटमेंट थी। तो मैंने उस क्वेश्चन को ऐसे एक तरीके से करना भी सिखा दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन में रिवर्स में भी करना सिखा दिया। इससे आपका क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया, आपको पता भी चल गया कि किस मेथड में आपको कौन से फॉर्मेट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। अब देखिए, मैंने ये आफ्टर 3 डेज को रेड में क्यों लिखा है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बस एक चीज़ देख लीजिए कि ए एंड बी ने काम इतने इतने दिन में इंडिविजुअली उनके डेज दिए हुए हैं, तो हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका मिल जाएगा। क्वेश्चन हम वैसे स्टार्ट करेंगे, ए के आगे 10 लिखा, बी के आगे 12 लिखा, इनका एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क होगा, वो आ गया 60। एफिशिएंसी के लिए हम टोटल वर्क को इनके नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे, तो 60 डिवाइडेड बाय 10 आ गया 6, और 60 12 आ गया 5। टोटल एफिशिएंसी होगी इनकी 15 यूनिट। ये चीजें अब आपको आ जानी चाहिए, ये मैं आपको बार बार क्वेश्चन में रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। आपको ये चीजें खुद ही आ जानी चाहिए, अब मैं आपको 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट, यानी कि ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। तो 3 दिन तक तो उन्होंने साथ में काम किया ना, तो पहले 3 दिन तक का निकाल लेते हैं कि उन्होंने कितना काम किया। अगर वो एक दिन में 11 यूनिट्स कर रहे हैं तो 3 दिन में कितने करेंगे, 33 यूनिट्स, ठीक है। 33 यूनिट्स उन्होंने काम कर लिया, अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 60 में से हम 33 काट देंगे तो रिमेनिंग वर्क आ गया हमारा 27 यूनिट्स। यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब वो रिमेनिंग वर्क अब किसने छोड़ा, ए ने छोड़ा कि बी ने छोड़ा। देखिए क्वेश्चन में 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, तो बचा कौन काम करने वाला, सिर्फ बी। अब जो 27 यूनिट्स है वो कौन करेगा, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी है एक दिन में करने की 5 यूनिट, और उसे करने हैं 27 यूनिट्स, तो कितने आ गए, 27 को डिवाइड किया हमने 5 से, हमारे पास आ गया 5.4 डेज। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। ए प्लस बी ने 3 दिन तो यही किया, उसके आगे बी ने किया 5.4 डेज में, तो 3 + 5.4 = 8.4 डेज में वो अपना सारा काम खत्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5.4 नहीं होगा, 8.4 होगा। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क तो 5.4 होता, पर उन्होंने टोटल नंबर ऑफ डेज पूछे तो इसलिए उसमें 3 भी ऐड होगा, जो मैंने ए प्लस बी का ऊपर लिखा हुआ है। तो 5.4 + 3 = 8.4 इज द करेक्ट आंसर, ये रहा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। अब देखिए, जब भी हमें इंडिविजुअल दिया हुआ है तो आपको एक टेंशन तो खत्म होगी कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट से स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड इट वॉज कंप्लीटेड इन 9 डेज। ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया और काम 9 दिन में खत्म हुआ। आगे देखते हैं, जस्ट बिकॉज ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। अब आप देख रहे हैं आफ्टर सम टाइम रेड में है, पिछले क्वेश्चन में आफ्टर 3 डेज दिया था, तो मैंने इसीलिए इन चीज़ों को हाईलाइट किया है कि किस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट होगी वो आपने ध्यान रखना है, और उस स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी ध्यान रखना है। रटना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। उस क्वेश्चन में था आफ्टर 3 डेज, इस क्वेश्चन में है आफ्टर सम टाइम्स। हमें कितने, हमें ये नहीं पता कि कितने दिन के बाद छोड़ा है, तो वही हमें क्वेश्चन में निकालना है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट डिड ए लीव, ठीक है। ए ने स्टार्टिंग से कितने दिनों के बाद छोड़ा, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। हमें इंडिविजुअल डेज दिए हुए थे उनके, तो हमें क्वेश्चन की स्टार्ट तो भाई मिल गई। इनका टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम होगा तो 30 होगा इनका टोटल वर्क। एफिशिएंसी होगी ए की 3 और बी की होगी 2। ये कैसे आई मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक दिन में वो टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट्स कर रहे हैं, ठीक है, इनका सम होगा। अब इन्होंने कहा है कि ए लेफ्ट इन सम डेज। अब इन्होंने कहा ना ए कुछ दिनों में छोड़ गया, हमें नहीं पता कितने दिनों में छोड़ गया। पर एक चीज देखिए, जब हमें एक बंदे का कुछ नहीं पता होता कि उसने कितने दिन काम किया और कितने दिन बाद छोड़ दिया, तो हम उस बंदे पे पहले काम नहीं करते हैं, हम उस बंदे पे काम करते हैं जिसका हमें पता हो कि इस बंदे ने तो इतने दिन काम किया ही किया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम जो है वो 9 दिनों में खत्म हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है इट वाज कंप्लीटेड इन 9 डेज, ठीक है। तो यानी कि ए ने तो कुछ दिन बाद छोड़ दिया, हमें नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा, पर बी ने तो 9 के 9 दिन काम किया ना, तो हम ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे बी से। अगर बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो बी 9 दिन में कितने यूनिट काम करेगा, ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 9 दिन में बी काम करेगा 9 × 2 विच इज 18 यूनिट्स, ठीक है। बी ने 18 यूनिट्स काम कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए का बचा काम सिर्फ ए प्लस बी से क्वेश्चन शुरू होना था, पर मैंने बी को अलग कर दिया ए से, क्योंकि बी ने तो लास्ट तक काम किया ही किया, तो हमने बी का काम निकाल लिया कि बी ने कितना काम किया, वो था 18 यूनिट्स। 18 यूनिट्स को हमने 30 से माइनस किया तो रिमेनिंग वर्क आ गया जो कि है 12 यूनिट्स। अब वो 12 यूनिट्स ए को ही करना था, क्योंकि बी का तो हमने टोटल निकाल लिया 9 दिन का, डे 1 से लेकर डे 9 तक हमने बी का निकाल लिया, अब हम काम करेंगे सिर्फ ए पे। तो
जब हम 12 को ए के वन डे वर्क से डिवाइड करेंगे यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ए ने कितने दिन काम किया। तो 12 को 3 से डिवाइड करने पे आ जाएगा कि भाई ए ने स्टार्टिंग के 4 दिन बी के साथ काम किया है और चौथे दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, और यही होगा हमारा आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। हमें क्वेश्चन का स्टार्ट मिल गया। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। इसको भी मैंने रेड में लिखा है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में था ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, हमें ए के डेज दिए हुए थे। दूसरे क्वेश्चन में था ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, उसमें टाइम नहीं दिया हुआ था, तो हमने निकाला कैसे टाइम निकाला, ठीक है, वो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। अब इधर दिया है कि बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो ये टोटली अलग फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क जितने भी दिन होंगे उससे हमें 3 माइनस करने होंगे, पर हमें पता ही नहीं होगा कि भाई दिन कितने हैं, तो हम उसे उन मेथड से नहीं करेंगे जो हमने पिछले दो मेथड से किया है, ठीक है। इन चीज़ों में डिफरेंस का ध्यान रखना, एक में डेज दिए थे छोड़ने के, एक में डेज निकालने थे छोड़ने के, और एक में दिया हुआ कि कंप्लीट होने से 3 दिन पहले उसने छोड़ा, बी ने छोड़ा। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। हमने क्वेश्चन की स्टार्ट दे दी ए 10 15 13 3 2, ये आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि ये कैसे आया, आप खुद निकालिए इन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। हाँ, अगर उन्होंने छोड़ा नहीं होता फिर तो हमें पता था 3 प्लस 2 5 हो जाता, 30 को 5 से डिवाइड करते तो 6 आ जाता हमारे पास, तो पर ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में एक बंदे ने काम छोड़ा है, और जब भी कोई बंदा काम छोड़ता है तो नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको उस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर कहा होगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले, तो आप उन क्वेश्चंस में डेज को, मतलब जितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है, आप उसको पहले ही एक्स एज्यूम कर लोगे। ये क्वेश्चन एक्स के बेसिस पर ही निकलेगा, उसके अलावा नहीं निकल सकता। तो आपने एज्यूम किया कि भाई एक्स डेज में काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है, नंबर ऑफ डेज कितने लग गए भाई, एक्स डेज लग गए। अब देखिए छोड़ कौन रहा है, बी छोड़ रहा है, तो लास्ट डे तक कौन काम कर रहा होगा, ए काम कर रहा होगा। अगर ए एक दिन में 3 यूनिट करता है तो एक्स डेज में कितना करेगा, 3x करेगा, है ना, 3 × x 3x। अब बी की बात करते हैं, अगर बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो लास्ट डे तक कितना काम करेगा, 2 × x 2x, है ना। पर बी तो लास्ट डे तक काम कर ही नहीं रहा, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है काम, ठीक है। तो x है अगर टोटल नंबर ऑफ डेज और वो 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो b ने कितने दिन तक काम किया, x माइनस 3 डेज तक। फॉर एग्जाम्पल 10 दिन का काम है टोटल और आप 3 दिन पहले ही उस काम को छोड़ रहे हो, तो आपने कितने दिन काम किया, 10 में से 3 निकाले, 7 दिन ही काम किया ना आपने। वैसे ही हमने x की 10 की जगह हमने x लिया हुआ है, तो x माइनस 3 आ गया कि b ने इतने दिन काम किया है। अभी सिर्फ इतने दिन काम किया है ये आया, अब कितना काम किया है वो तब आएगा जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उससे। अगर एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो x माइनस 3 डेज में 2 इंटू x माइनस 3 काम करेगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि यही वाला इस पूरे क्वेश्चन का सबसे टफ पॉइंट यही है, इसके आगे सब आसान है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। इन्होंने कहा है भाई कि टोटल काम तो है 30 यूनिट्स, ए ने लास्ट डे तक काम किया 3x और बी ने जितना भी काम किया वो था 2x माइनस 3, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा कंप्लीट काम ही 30 यूनिट्स का था, तो हमने 3x प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 के ऐड किया, तो 30 के साथ उसको इक्वेट कर दिया। ये करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7.2 डेज, यानी कि हाउ मेनी डेज वर टेकन टू कंप्लीट द वर्क। इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी डेज वर टेकन टू कंप्लीट द वर्क, और हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही x को क्या अज्यूम किया था, वो नंबर ऑफ डेज जितने दिनों में काम खत्म हो रहा है। अगर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा होता कि b ने कितने दिन पहले छोड़ दिया, तो हम 7.2 से 3 माइनस कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता आई गेस 4.2, ठीक है, पर वो अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इन्होंने पूछा है कि टोटल कितने डेज लगे हैं, जो कि हमने एक्स एज्यूम किए थे, और एक्स की वैल्यू है 7.2, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट पार्ट है टाइम एंड वर्क का, वो यहीं पर ख़त्म होता है। इस पूरे चैप्टर में सबसे मेन चीज़ें थी जो समझने वाली, कि अगर आपको ए और बी के इंडिविजुअल डेज दिए गए हैं वो कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और ए प्लस बी साथ में दिया हुआ है तो कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। एफिशिएंसी दी है या नहीं दी है, वन डे वर्क दिया है, अच्छा उसी को एफिशिएंसी कहते हैं एक्चुअली, टोटल टाइम दिया हुआ है या फिर टोटल वर्क कैसे निकालना है, ये सब आपने इसमें समझ लिया। उसके अलावा 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ी, जो कि थी क्वेश्चन 4, 5 और 6 में। क्वेश्चन 4 में था कि ए ने 3 दिन के बाद छोड़ा, यानी नंबर ऑफ डेज दिए थे। क्वेश्चन 5 में था कि ए ने कुछ दिन बाद छोड़ा, उसमें हमें डेज निकालने थे। और क्वेश्चन 6 में था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी वीडियो का, कि कंप्लीट, मतलब जितने भी दिन लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में, उससे 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन को आपने हमेशा एक्स वाले फॉर्मेट से करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आई, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेम कंटेंट आपको मिलेगा, डीपली एक्सप्लेन किया गया होगा और अच्छे से आपको समझाया जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें टाइम एंड वर्क चैप्टर्स के कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू।